अखंड भारत के उन वहशी दरिंदों का गिरोह है जिसने भारत के मध्य में स्थित हैदराबाद शहर को धार्मिक घृणा से लहूलुहान कर दिया है। तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य के कुछ हिस्सों को तत्कालीन हैदराबाद राज्य में मिला दिया गया लग गया और उसी दौरान हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करने और उस राज्य को पूर्ण इस्लामिक राज्य में परिवर्तित करने की साजिश रची गई। इसका विरोध करने वाले लोगों के खिलाफ नरसंहार करके निजाम के निजी सेना रजाकारों ने एक वहशी खेल खेल। So can we have the director, Mr. Yata, Mr. Makarand, and the whole crew of Razakar? Can we have a big round of applause for the whole team, Makarand ji, Raja Arjun ji, stage? And can we please pause the AV so that the Razakar trailer launch poster is there? Can I please invite the producer, the director, so that they all listen to what ma'am is saying, the DOP and the music director, because Sicily, the beautiful artists, Makarand Deshpande ji, Raja Arjun ji, Kareem, as who's there as Kareem Rizvi, Makarand ji, who's there as Mirsmalan Ali Khan, Tej Sapru ji, who's there as Sardar Vallabhbhai Patel, Mr. Bobby as well, please. Mr. Mahedar Guntupalli, the co-director. Mr. Yata, the director. Mr. Gurur, the producer. And everyone. Mr. Sanju Reddy, please. Mr. Anju Reddy, please. Mr. Anjay Redekar, can we have a big round of applause for these lovely, lovely artists who has done such a beautiful work? Ma'am, I would like to request you to please kindly give us some words of wisdom. Namaste, dosto. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Dosto, aaj aap yahan is tadad mein aaye, bahut bahut dhanyawad. Jaisa ki aap dekh sakte hain ki ye film meri nahi hai. और इसमें मेरा कोई भी जैसा देखा है आपने कोई भाग नहीं रहा है लेकिन एज अ गुडविल जेस्चर एज समबडी हु लाइक टू इनकरेज आर्ट विच हैज़ सम इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी आई एम हियर इन दैट कैपेसिटी मैंने बस दो दिन पहले ट्रेलर देखा और मुझे इतना पसंद आया ये ट्रेलर तो मैंने कहा ठीक है मैं भी आती हूँ और जो मेरे मुझसे जो बन पड़ता है क्योंकि एक प्रोडक्ट को आपको मार्केट भी करना पड़ता है तो मेरा जो सामर्थ्य है मेरी जो जिस तरह से भी जितने लोगों तक पहुंच सकती हूं तो मैं इसमें पूरा हिस्सा लूंगी तो दोस्तों हमने हमेशा अपनी पुस्तकों में यही पढ़ा है कि नेहरू थे और गांधी थे और कोई थे ही नहीं और कुछ हुआ ही नहीं तो कभी आपने क्या ये सोचा है कि आज जब हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी जो एक इमारत जैसे एक स्टैचू बन रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के हमारे दिल में अक्सर ही आता है कि उन्होंने क्या किया है आता है ना
में उन्होंने क्या किया है, क्यों इनका ये बना रहे हैं, क्यों उनका बार बार नाम लेना. मैं आपको बता नहीं सकती कि जो जैसे इस आजकल भी हम आजकल हम सोचते हैं कि पब्लिसिटी या मीडिया या मार्केटिंग ये सिर्फ आजकल होता है, ऐसा नहीं है. पुराने ज़मानों में भी मार्केटिंग मीडिया होती थी. इनफैक्ट राजाओं के ज़माने में भी मार्केटिंग मीडिया, उनके भी नवरत्न होते थे, वो लोग भी अपने को पॉपुलराइज करते थे. चाहे वो अशोका को हम जानते हैं या चाहे वो जो भी हम लोग जानते हैं हिस्ट्री के बारे में, वो मार्केटिंग का ही एक एक प्रोडक्ट है. तो जो मार्केटिंग अपने करते रहे वो करते रहे, जो पब्लिसिटी अपनी करते रहे वो करते रहे. वो लंदन में जाके वहाँ पे इंटरव्यूज़ देते थे, वहाँ के सारे विश्व भर के पेपर्स में उनके गुणगान किए जाते थे. वो अगर 100 लोगों को भी लेके निकलते थे तो पूरा विश्व उसके बारे में बोलता था कि ऐसी हंगर स्ट्राइक हुई है, ऐसी मार्च हुआ है, ऐसी यात्रा हुई है. लेकिन जो लोग वाकई में ही, वास्तव में ही, मैं तो श्री वल्लभ भाई पटेल को हमेशा कहते हैं कि वो